देखिए इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री का बेसिक एंड फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दैट इज यूक्लिड, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो आंसर क्या होगा ना, यूक्लिड, है ना, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योमेट्री ना, यूक्लिड। तो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में कुछ एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स है, क्या है, कुछ एक्सियम्स है एंड पोस्टुलेट्स है। तो ये एक्सियम क्या होता है एंड पोस्टुलेट्स क्या होता है, देखिए ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दोनों क्या होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है कि कोई स्टेटमेंट जिसका प्रूफ करने का कोई जरूरत नहीं है, विदाउट प्रूफ और जिसको हम लोग ग्रांटेड मान लेते हैं, विदाउट प्रूफ जिसको हम लोग ग्रांटेड मान लेते हैं, ठीक है। तो विदाउट प्रूफ हम लोग ग्रांटेड मान लेते हैं, दैट मींस कोई स्टेटमेंट को विदाउट प्रूफ ग्रांटेड मान लेना मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। तो ऐसा स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स बोला जाता है। तो अभी बोलिएगा कि सर दोनों टर्म अलग अलग है तो दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, यस। तो एक्सियम होता है यूनिवर्सल ट्रूथ जो बेसिकली ऑल फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स यूज होता है, और पोस्टुलेट्स ओनली फॉर ज्योमेट्री के लिए यूज होता है, स्पेसिफिकली फॉर ज्योमेट्री के लिए यूज होता है। तो एक्सियम क्या होता है, एक्सियम होता है यूनिवर्सल ट्रूथ जो ओनली माने जो क्या होता है ना मैथमेटिक्स का, एनी फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स में अलजेब्रा अरिथमेटिक्स सभी जगह में, ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री सभी जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सियम को। और पोस्टुलेट्स क्या है ना, पोस्टुलेट्स ओनली फॉर ज्योमेट्री के लिए यूज करते हैं। तो कितने एक्सियम है और कितने पोस्टुलेट्स है यूक्लिड का, तो 7 एक्सियम है एंड 5 पोस्टुलेट्स है, 7 एक्सियम एंड 5 पोस्टुलेट्स, क्लियर है, 7 एक्सियम है एंड 5 पोस्टुलेट्स है। तो यहां पर यूक्लिड का जो तो पोस्टुलेट और एक्सियम का कांसेप्ट समझ में आ गया, एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट्स क्या होता है, दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, विदाउट प्रूफ हम लोग इसको ग्रांटेड मान लेते हैं एक्सियम एंड पोस्टुलेट्स को, बाकी ये दोनों अलग अलग टर्म है बिकॉज पोस्टुलेट्स यूज फॉर ओनली फॉर ज्योमेट्री and axiom used for any field of mathematics. तो axiom और postulates के बीच में difference क्या है कि postulates only geometrically use होता है, axiom क्या होता है all field of mathematics, any field of mathematics के लिए use होता है। अभी देखो कितने axiom है कितना postulates है, मैं Euclid का 7 axiom है and 5 postulates है, 7 axiom and 5 postulates। तो देखिए axiom क्या होता है, अब जब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि इसका proof का जरूरत क्यों नहीं है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना जाता है, क्योंकि ज्योमेट्री का किसी भी जगह में आप यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का कोई भी जगह में आप ये कांसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो 7 एक्सियम में पहला एक्सियम क्या है, कोई भी स्टूडेंट बताओ 7 एक्सियम का पहला एक्सियम क्या है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, वेरी गुड, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब x इक्वल टू y है एंड y इक्वल टू z है तो क्या बोल सकते हैं, x इक्वल टू z बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू वन अनदर। मान लीजिए x इक्वल टू 45 डिग्री लिखा हुआ है एंड y इक्वल टू भी 45 डिग्री लिखा है तो x इक्वल टू y आप नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, तो x इक्वल टू y, y इक्वल टू z, देन x इक्वल टू z। पहला कांसेप्ट कोई क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, वेरी गुड। सेकंड एक्सियम को रीड करिए, सेकंड एक्सियम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल, इक्वल आर एक्जेक्टली, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। क्या होता है ना, x इक्वल टू y है, अब देखिए x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, y प्लस 5, तो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि x plus 5 equal to y plus 4, ये कभी लिख सकते हैं क्या, ये not equal हो जाए, तो ये concept ठीक नहीं है। concept क्या है ना, equals are added to equals, if x equal to y then 5 is added both sides, then result क्या होगा ना, x plus 5 equal to y plus 5 and ये भी क्या होगा ना, ये भी equal हो जाए, इसलिए equals are added to equals and whole are equal हो जाएगा, clear है। third number axiom बोलो, yes sir, if equals are subtracted from equals the remainder are equal, very good, if equals are subtracted from equals then remainders are equal, concept same hai, if x equal to y,
If x equal to y, then x minus 4 equal to y minus 4. Equals are subtracted from equals and remainders. Jitna bache rahega, jitna remainder rahega isme, x hai, x se 4 minus kar diye, y hai, usse 4 minus kar diye. Jo result hoga, wo bhi same hai. इसलिए equals are subtracted from equals, then remainders are equal. ठीक है ना, ये भी एक्सियम में समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट बोलिए. थिंग्स विद आर कॉन्ड्यूट. बोलिए बोलिए. नेक्स्ट एक्सियम जल्दी से. थिंग्स विच आर कॉइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स विच आर कॉइंसाइड विद वन अनदर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू वन अनदर हो जाएगा. तो बेसिकली क्या है, मान लीजिए एक लाइन दूसरा लाइन के साथ कॉइंसाइड हो गया. कॉइंसाइड का मतलब क्या, टू लाइन मार्ज ऑन अ सेम लाइन. दोनों लाइन जब एक ही लाइन में मार्ज हो जाता है, ठीक है ना. जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको कितना दिखाई पड़ रहा है, दो मार्कर दिखाई पड़ रहा है. और जब इसको क्या होगा ना, यहाँ पर क्या कितना मार्कर दिखाई पड़ रहा है, अभी वहां पर दो दिखाई, अभी इसमें दिखाई पड़ रहा है वन, है ना, ये वन दिखाई पड़ रहा है. तो मतलब क्या है, दोनों कोइंसाइड होगा तो एक दूसरे के साथ वो इक्वल कंसेप्ट भी आ जाएगा. दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड हो जाएगा तो उसका कंसेप्ट क्या होगा, मान लीजिए ये कोइंसाइड नहीं करता तो ऐसे कुछ आगे ऐसा रह जाता है. ये कंसेप्ट देखिए, एक छोटा एक बड़ा है, बट कोइंसाइड होगा. कोइंसाइड एक ही साथ में मार्च भी कर जाएगा, थोड़ा सा एक्सटेंड भी रहेगा तो वो बैलेंस हो जाएगा. तो कोइंसाइड होगा तो वो लेंथ भी इक्वल का हो जाएगा. नेक्स्ट कंसेप्ट बोलिए, नेक्स्ट एक्सियम. The whole is greater than the part. Whole is greater than part. Very good. Whole is greater than part. Whole मतलब एक देखिए, एक लाइन है, ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, AB लाइन सेगमेंट है, जिसको हम लोग यहाँ पर नोट किए. तो बोलिए L बड़ा होगा कि AB बड़ा होगा. L लाइन सेगमेंट इज टेकन फ्रॉम लाइन. लाइन सेगमेंट कहाँ से लिया जाता है, लाइन से. तो लाइन बड़ा होगा कि लाइन सेगमेंट बड़ा होगा. जिस घर से आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस घर में अभी आप प्रेजेंट है, वो घर बड़ा है कि आप बड़े हैं, वो घर बड़ा हो तो मैंने होल इज ग्रेटर बड़ा. आपके पास मान लीजिए चॉकलेट पैकेट है, आपका बर्थडे में आप लेकर गए थे स्कूल और उसमें आप चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं फ्रेंड्स को, तो आप दो ही चॉकलेट फ्रेंड्स को दीजिएगा, तो दो चॉकलेट बड़ा होगा कि एक पैकेट चॉकलेट बड़ा होगा, दो चॉकलेट छोटा होगा, है ना. तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट. तो इसके लिए भी कोई इनवर्सल, ये भी इनवर्सल ट्रूथ है, इसके लिए कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट बताइए. थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अच्छा मान लीजिए x इक्वल टू y है, इफ x इक्वल टू y तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा. जब सेम नंबर को बोथ साइड में मल्टीप्लाई करिएगा तो होल्स क्या हो जाएगा, माने पूरा टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. जैसे x equal to y है, 2x equal to क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा. 5x equal to क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा. 6x equal to क्या होगा, 6y हो जाएगा. 6y कुछ भी मल्टीप्लाई करो बोथ डायरेक्शन में, वो रिजल्ट क्या होगा ना, सेम हो जाएगा. नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट एक्सियम. Things which are halves of the same things are equal to one another. Halves of the same things, है ना. तो देखिए, things x equal to y है, halves कर रहे हैं, मतलब x by 2 equal to क्या हो जाएगा, y by 2 होगा कि नहीं होगा. ये भी इसके लिए भी कोई proof का जरूरत नहीं, ये भी universal truth है, है ना. x equal to y है तो x by 2 equal to y by 2 हो जाएगा. इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x equal to y है, x by 5 equal to कितना हो जाएगा, y by 5 हो जाएगा. Halves दिखा हुआ है लेकिन कुछ भी numbers के लिए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा. तो सेवन एक्सियम दिमाग में सेट हो जाएगा, सेट हो गया ना, आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेवन एक्सियम में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो सर. वेरी गुड. कितने स्टूडेंट को ये अभी पूछेंगे तो बता देंगे बिना बुक देखकर, सेवन एक्सियम को. रिया शर्मा 9 जी, वाह वेरी गुड. रिया शर्मा बहुत अच्छा स्टूडेंट है, इतना अच्छा ये अरेंजमेंट क्लास में भी इतना अच्छा. वेरी गुड रिया और अंशु. बाकी कोई भी देखो, सबको आता है, सबको मैक्सिमम स्टूडेंट को, लेकिन कोई भी रेस्पॉन्स करने के लिए तैयार नहीं है. दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट. चलिए अब हम लोग आएंगे फाइव पोस्टुलेट्स. कितने पोस्टुलेट्स है, फाइव पोस्टुलेट्स. वेरी गुड.
रिया आपका क्लास में पढ़ाई हो गया यूक्लिड ज्योमेट्री? नो सर। नो सर। वेरी गुड। देखिए पोस्टुलेट वन क्या बोल रहा है, पोस्टुलेट वन रीड करिए। A straight line may be drawn from any point to any other point. Very good. एक straight line बनाने के लिए A और B, एक point से दो point, दोनों का shortest distance. एक straight line का concept क्या होता है? Shortest distance between two points. तो इस plane के ऊपर में two point अब consider किए हैं, A and B. ठीक है ना? तो दोनों के बीच में जो shortest distance है, दोनों के बीच में जो shortest distance है, this is called straight line. तो ये इसके लिए कोई proof का जरूरत है? Proof का कोई जरूरत नहीं। आप बोलिएगा कि सर ये शॉर्टेस्ट कैसे है, ये शॉर्टेस्ट कैसे है, हाउ इट शॉर्टेस्ट? तो देखो शॉर्टेस्ट मतलब देखिए, मान लीजिए ए आपका घर है और बी आपका कोई फ्रेंड का घर है, आपको ए से बी जाना है, तो आप क्या करेंगे? इधर से आगे घूम करके दिस दैट करके इधर उधर करके इधर करके मार्केटिंग करके आप इस बी करा देंगे। तो इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाएगा क्या? नो सर। नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ए से बी जाने के लिए सबसे कम डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बोला गया है यहाँ पर पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि कोई भी प्लेन के ऊपर में दोनों पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, नहीं एक स्ट्रेट पाथ बन जाएगा। क्लियर है? दो नंबर पोस्टुलेट्स मुझे। द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इनफिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली, है ना? टर्मिनेटेड लाइन मतलब ए बी दैट इज टर्मिनेटेड लाइन, और इसको प्रोड्यूस किया जाएगा इनफिनिट तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कितना दूर भी आगे एक्सटेंड करना चाहते हो एक्सटेंड कर सकते हैं, ये भी पोस्टुलेट से, इसका भी कोई प्रूफ जरूरत नहीं है। समझ गया ना? ये एल ए बी, समझ गया ना? जितना दूर पॉसिबल है, ए बी इज अ टर्मिनेटेड लाइन एंड ए को भी जितना दूर पॉसिबल आप एक्सटेंड कर सकते हैं, बी को भी जितना दूर पॉसिबल आप एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर? ए को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं इनफिनिट तक, ठीक है ना? टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिट। तीन नंबर बताइए, नेक्स्ट पोस्टुलेट। अ सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर्स एंड एनी रेडियस। वेरी गुड। एक सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए? एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए, और एक रेडियस चाहिए, और फिर क्या हो जाएगा? सर्कल बन जाएगा, है ना? एक सेंटर चाहिए, स्पेसिफिक सर्कल बनाना है, इसमें क्या हो जाएगा? सर्कल बन जाएगा। सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए, सर्कल बन जाएगा। तो ऐसे सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल बनाने के लिए एक रेडियस चाहिए, एक सेंटर चाहिए, ये भी एक पोस्टुलेट है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। ओके, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अदर। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल 90 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 4-5 अरे जो भी होगा, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है, और ये 90 डिग्री। इसको ए बी सी नेम किया गया है, इसको डी ई एफ नेम किया गया है। तो ये बताइए एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस सर, हो जाएगा। कोई भी दोनों राइट एंगल्स बिकॉज़ द एंगल्स आर सेम। वेरी गुड। ए बी सी और डी ई एफ मतलब ओके, ये दोनों राइट एंगल है, तो दोनों राइट एंगल है तो दैट मींस एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाए। ये भी एक पोस्टुलेट, इसके लिए भी कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है। देखिए ये 90 डिग्री के लिए दिया हुआ है, दूसरा एंगल के लिए भी ट्रू हो। एक एंगल 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 30 डिग्री है, कोई दूसरा ट्रायंगल का, तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या होगा? ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल एंगल हो जाएगा। ये 90 डिग्री के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन कोई भी एंगल के लिए ट्रू हो। क्लियर है? अब देखिए आगे चलिए, नेक्स्ट चार नंबर, पांच नंबर, यूक्लिडियन पोस्टुलेट्स। यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। अच्छा ये नोट कर रहे हैं ना कॉपी में? कॉपी में तो नोट कर रहे होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट? सर अभी नहीं कर रहे क्योंकि ये चैप्टर अभी स्कूल क्लास में टीचर नहीं करा रहे इस वजह से। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आप बुक में अंडरलाइन कर लीजिए पेंसिल से। हाँ यस। ओके चलिए नेक्स्ट रीड करिए कोई भी स्टूडेंट। If a straight line falling on a two straight lines, make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. Exactly. देखिए, ये बहुत लंबा लिखा हुआ है, आप लोग को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। देखिए बहुत सिंपल है, अब बहुत बेसिक कंसेप्ट है इसके अंदर। अच्छी चीज बताइए,
मान लीजिए एल है और एम, एल और एम ये दोनों लाइन पैरेलल है, एल पैरेलल टू एम है ना। सपोज कर लीजिए एल और एम दोनों लाइन है, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है, ये ट्रांसवर्स है और ये एंगल वन है, ये एंगल टू है। तो एंगल वन प्लस एंगल टू कितना होता है बाय कोएपीरियर एंगल? 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है कि नहीं? यस सर होता है। एल एम दोनों पैरेलल है और इसको हम लेते हैं एम, एम ट्रांसवर्स। तो इसमें देखिए कोएपीरियर एंगल में सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्स से दोनों एंगल का सम क्या होगा? 1 + इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इन सिमिलर वे इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, तो एंगल 3 + एंगल 4 कितना होगा? 180 डिग्री होगा बाय कोएपीरियर एंगल। ये हम लोग कहां से जानते हैं? ये हम लोग जानते हैं पैरेलल लाइन का कांसेप्ट से। क्लास कौन क्लास में पढ़े? 8 क्लास में पढ़े, 8 क्लास में पढ़े पैरेलल लाइन का कांसेप्ट से। 7 में भी पढ़े सर, सम ऑफ कोएपीरियर एंगल। अब देखिए हम लोग को जो अभी यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स पढ़ना है, इसमें क्या करना है? बोला गया है कि दोनों लाइन है, एक लाइन है पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, और ये ट्रांसवर्सल है एम, एल एम दोनों लाइन है, इसके ऊपर में क्या किया? फॉल इन अनदर एक लाइन इसके ऊपर में फॉल किया, ठीक है, एल इसके ऊपर, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो इसमें चार एंगल, चार इंटीरियर एंगल बना, एक दो तीन एंड चार, कितने इंटीरियर एंगल बना? चार इंटीरियर एंगल बना। अब देखिए मजेदार कंसेप्ट क्या है कि बोला गया है यहाँ पर फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या बोला गया? बोला कि जब दोनों लाइन के ऊपर में अनदर एक लाइन फॉल करेगा, दैट मीन्स ये जो ट्रांसवर्सल है तो इसका सेम साइड में, सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। इस ये जो आपका ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल का सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल, मतलब क्या होगा? यहां से एंगल वन प्लस एंगल टू क्या होगा? लेस देन 180 डिग्री होगा। ये यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट्स बोले कि जब देखो यहाँ पर चार एंगल बनेगा, एक इधर से दो इंटीरियर एंगल, इधर से दो इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर बोला कि सेम साइड ऑफ दिस ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल का सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल बना, दोनों का सम लेस देन टू राइट एंगल होगा। टू राइट एंगल मतलब 2 × 90 डिग्री 180 डिग्री होगा। अब तो ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 मोर देन 180 डिग्री होगा। क्या हो जाएगा? मोर देन 180 डिग्री होगा। क्यों यहाँ पर लेस देन 180 डिग्री क्यों होगा, ये थोड़ा सा बताइए कोई? क्योंकि ये ज्यादा थोड़ा बेंड है वो। अच्छा ज्यादा बेंड है। अच्छा ये इमेजिन लाइन है ना, ये तो इमेजिन लाइन है, ये सब को तो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? दे आर क्लोजर टू ईच अदर दैट्स व्हाई इट इज लेस देन 180। माने देखिए जो जो थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिए झुका हुआ है ये लाइन इधर इस डायरेक्शन में, तो क्यों? इसका लॉजिक क्या है? मतलब क्या हो सकते हैं, मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करोगे इसको कि 1 + 2 लेस देन 180 डिग्री क्यों हो रहा है? वो नहीं पता सर। नहीं कैसे पता? सोचिए थोड़ा सोचिए। इमेजिन है तो कैसे भी हो सकता है। नहीं देखो मेन क्या है जानते हैं ना, इसको आगे आप जब बढ़ाएंगे ना, इसको आगे जब बढ़ाएंगे ये हो सकता है ना किसी जगह में क्या करेगा, मीट करेगा, मतलब इंटरसेक्ट। यस सर। तो इस बेस के ऊपर में एक और ट्रायंगल बन जाए, बनेगा कि नहीं बनेगा? मान लीजिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस बेस के ऊपर में क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बनेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो बनेगा कि नहीं? और ट्रायंगल बनेगा तो यहाँ पर इधर जो एंगल बनेगा इसका कुछ मेजरमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होगा इसका, मतलब इस बेस के ऊपर में एक ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, तो इधर इंटरसेक्ट करेगा, तो इधर का इस एंगल का कोई मेजरमेंट होगा क्या? जैसे आप मानो इस तरह का कुछ फॉर्मेशन मिल गया, ये है 1 है, ये 2 है, तो एंगल 1 + 2 इक्वल टू लेस देन 180 डिग्री, तो लेस देन 180 डिग्री तो ठीक है, और नहीं होगा दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो इसका कोई वैल्यू है क्या? ये कोई वैल्यू है इसका, इस एंगल का कोई वैल्यू है? कुछ नहीं। मतलब यहां पर आपका कांसेप्ट क्या होगा ना, इस बेस के ऊपर में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा जहां पर इसका क्या है, एक एंगल मेजरमेंट रहेगा, इस कुछ मेजरमेंट इधर रहेगा,
इधर कुछ मेजरमेंट रहने का मतलब क्या है, ये ए वन और टू का वैल्यू 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना। बट देखो इधर क्या होगा, ये लाइन इस प्लेन के ऊपर में एक्सटेंड कभी करेगा, दोनों लाइन है ना, एक बार यहाँ पर मीट कर चुका है मान लीजिए, तो इधर भी तो कभी मीट नहीं करेगा ये, तो इसलिए 3+4 का वैल्यू होगा कि क्या होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा, बस यही कंसेप्ट है, समझ गए। इधर इंटरसेक्ट पॉसिबल नहीं है, इधर इंटरसेक्ट पॉसिबल है, जिसके लिए क्या होगा ना, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है, अब उस ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा तो उधर थर्ड एंगल का कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा, तो वो क्या करेगा ना, ये 180 डिग्री से दोनों कम हो जाएगा, 180 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, ये 7 एक्सियम और 5 पॉसिबिलिटी समझ में आ गए। इसको फिर से एक बार बोलते हैं कि जब दोनों लाइन के ऊपर में अनदर एक लाइन फॉल करता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, and same side of this transversal sum of two interior angle is less than two right angle, this is the concept of Euclidean postulates. समझ गए ना, इसको आपको explain करने के लिए दिया जा सकता है example कि explain Euclidean postulates, क्या बोलोगे ना, दोनों two lines हैं, दोनों lines के ऊपर में another एक line fall कर रहा है, तो same side of this transversal, same side of this transversal मतलब इसका same इधर में दोनों interior angle है, sum of two interior angle is less than two right angle, है ना, sum of two interior angle का जो मेजरमेंट होगा इज लेस देन टू राइट एंगल, क्लियर है, तो यूक्लिडियन पॉस्टुलेट्स भी रेडी हो गया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम इतना दूर में? नो सर। वेरी गुड, तो यूक्लिड 7 एक्सियम और 5 पॉस्टुलेट्स आप लोगों का रेडी हो गया। अब इसका रिलेटेड बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आप लोग आराम से बना सकते हैं, है ना, लिखिए डिफाइन, कुछ डिफाइन लिख लीजिए, पहला डिफाइन लिखिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का डिफाइन लिखना है अभी, नेक्स्ट लिखिए थ्योरम का डिफाइन, थ्योरम, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट का डिफाइन लिखना है अभी, सर फिर से बोलिए तो, फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का डिफाइन लिखना है, थ्योरम का डिफाइन लिखना है, पॉइंट का डिफाइन लिखना है, लाइन सेगमेंट का डिफाइन लिखना है, रे का डिफाइन लिखना है, स्पीड लिखिए रे, रे आर ए वाई रे, देन लाइन का डिफाइन लिखना है, देन हाफ लाइन एच एल एफ, हाफ हाफ लाइन का डिफाइन लिखना है, कोलिनियर पॉइंट्स का डिफाइन लिखना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का डिफाइन लिखना है, कंकरेंट लाइंस का डिफाइन लिखना है अभी, फिर प्लेन का डिफाइन लिखना है, व्हाट सर, प्लेन प्लेन पी एल ए एन ई, प्लेन प्लेन का डिफाइन लिखना है, बोलते हैं ना इस प्लेन, इसको प्लेन बोलते हैं, हाँ यस, ठीक है ना, ये प्लेन, प्लेन सरफेस, प्लेन का डिफाइन लिखना, देन पैरेलल लाइन का डिफाइन लिखना है, क्लियर है, इतना डिफाइन जल्दी से लिखिए, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट सभी जो जितना सारे डिफाइन दिया हुआ है सब आरएस अग्रवाल में है, है ना, जल्दी से ये सब डिफाइन, ये सब बहुत नेसेसरी डिफाइन है, इसको आपको मैंने एकदम ज्योमेट्री शुरू करिएगा ना तो सबसे पहले ये सब डिफाइन का जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले डिफाइन जरूरत पड़ेगा, सबसे पहला स्टेटमेंट है, सबसे पहले स्टेटमेंट का डिफाइन करना है, स्टेटमेंट का डिफाइन कोई स्टूडेंट्स बता सकते हैं, सही और गलत का पता, सही या गलत, वेरी गुड, सही या गलत, या तो फिर ट्रू या तो फिर फॉल्स, मिडिल में नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि क्लास में पूछा जाएगा कोई स्टूडेंट को कि आपका मार्क्स कितना आया, कोई बच्चा स्मार्टली बोल देगा कि 70, मान लीजिए उसका आया 80 में 80 आया लेकिन बोल दिया 70, तो क्या हुआ, फॉल्स, फॉल्स बोला, तो फॉल्स बोला दिस, फिर भी वो स्टेटमेंट है, और ट्रू बोलेगा नहीं हमको 75 आया तो 75 बोल दिया, दैट मींस वो क्या, वो भी स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि उसको ट्रू स्टेटमेंट बोला जाए, और बोला गया कोई बच्चे को पूछा गया मार्क्स कितना, बोलेगा लेस देन 70, ठीक है ना, लेस देन 70, तो इस तरह का जो है ना लॉजिकल कंसेप्ट है ना उसमें जो yes या no, true या false में जो आंसर आता है, this is called statement, है ना, statement या sentence which can be judged be true or false, कोई sentence को हम लोग judge करके कैसे, या true या तो फिर false, logical जो concept है ना,
इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। स्टेटमेंट मतलब या तो फिर ट्रू या तो फिर फॉल्स, हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हो गया थ्योरम। कोई स्टेटमेंट का क्या जरूरत पड़ता है, कोई स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का प्रूफ का जरूरत पड़ता है, कोई स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का क्या, वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो उसका प्रूफ जरूरत पड़ता है कि नहीं, प्रूफ जरूरत पड़ेगा, तो प्रूफ जरूरत पड़ेगा, दैट दिस इज नॉट, दिस इज कॉल्ड थ्योरम। आप लोग बहुत सारा थ्योरम अभी पढ़ने जा रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, है ना, सर्कल में भी ऐसे बहुत सारा थ्योरम है, ट्रायंगल में बहुत सारा थ्योरम है, एरिया पैरेललोग्राम में बहुत सारा थ्योरम है ना, तो ये सब थ्योरम पढ़ना है। तो कोई स्टेटमेंट है उसका प्रूफ जरूरत है, प्रूफ का नाम क्या है ना, थ्योरम। नेक्स्ट होगा पॉइंट। पॉइंट का डिफाइन बताइए तो कोई भी स्टूडेंट, डू यू नो व्हाट इज पॉइंट? यस सर, अ डॉटेड। नो 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 नो, डॉट लाइन को पॉइंट कैसे बोलिए? एक डॉट है, इसको पॉइंट आप कैसे बोलेंगे? पॉइंट, एक डॉट है, इसको आप पॉइंट थोड़ा ही बोल सकते हैं, ये डॉट है, इसको पॉइंट ही ना बोल सकते हैं, कैसे बोलिएगा आप? ऐसे बोलिएगा आले अ पॉइंट व्हिच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, रेफरेंस पॉइंट। क्या फिर से रिपीट अगेन? रेफरेंस अ पॉइंट ऑफ, पॉइंट का डिफाइन देखिए, पॉइंट इज अ एग्जैक्ट लोकेशन, एक के रेस्पेक्ट। यस वही तो बोल रहे थे, रेफरेंस, रेफरेंस मींस एग्जैक्ट लोकेशन। अच्छा आपका, अच्छा आपका आवाज ठीक से क्लियर नहीं आया था मेरे पास। देखिए एग्जैक्ट लोकेशन मतलब, देखिए अभी आप मान लीजिए कि रात में कोई आपका छात के ऊपर में बैठे हुए हैं, वो आसमान को देख रहे हैं, तो उसमें स्टार को दिखाई पड़ता है, यूनिवर्स को देख रहे हैं, तो स्टार क्या है, एक पॉइंट है, किसके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, मेरा अर्थ का रेस्पेक्ट में, वो पॉइंट है, लेकिन वो पॉइंट है क्या, पॉइंट नहीं ना है, कुछ इसमें है ना, जैसे वर्ल्ड मैप में गया का लोकेशन डिनोट करना है, एक पॉइंट में है एक्चुअली, लेकिन गया एक पॉइंट में थोड़ा ही है, कितना एरिया है उसके पास, तो पॉइंट मतलब एग्जैक्ट लोकेशन, किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पॉइंट को यूज करते हैं। जूनियर सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं लेंथ, अ पॉइंट व्हिच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, ठीक है ना, अ पॉइंट व्हिच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट। बट जब हम लोग कुछ टाइम के बाद एक पूछा जाता है कि स्ट्रीट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट्स का जरूरत पड़ता है, कितने पॉइंट्स का जरूरत पड़ता है, इनफाइनाइट नंबर से क्या बनेगा, लाइन से भी बनेगा, जब ये क्लोज क्लोज पॉइंट्स को एक साथ में ले लीजिएगा तो एक लाइन बनेगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, लाइन ऑफ दोस पॉइंट एंड दिस पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड सर्कल, समझ गया ना, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट मतलब इसका कुछ लेंथ है, कुछ ब्रेथ भी है, कुछ हाइट भी है, समझ गया ना, तो ये डिफाइन हम लोग को चलेगा नहीं, जूनियर क्लास में समझाने के लिए हम लोग बोल जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लिखिएगा पॉइंट इज एज एग्जैक्ट लोकेशन। चलिए नेक्स्ट, लाइन सेगमेंट सबको पता होगा, Yes, sir. Line which have two in points. Yes. Ray भी सबको पता होगा, है ना? Line point. Line भी सबको पता होगा. AB which have no in point. Direction. ये postulates भी हम लोग पढ़े हैं. Postulates में भी पढ़े. Okay. Half line किसको बोला जाएगा? वो भी दोनों line है, middle point को लेंगे half. Half part of a line. Very good. Half part of a line. Collinear points किसको बोला जाता है? Three points lie on a line. कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, थ्री पॉइंट्स, वन टू थ्री, थ्री पॉइंट्स को जब एक ही लाइन में हम लोग लाई करेगा, थ्री और मोर पॉइंट्स, है ना, ये सबको क्या बोला जाएगा, कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स, थ्री और मोर पॉइंट्स लाइन में लाइन, जब एक ही लाइन के ऊपर में होगा तब उसको क्या बोला जाता है, कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट क्या बोला गया था, कंकरेंट लाइंस, concurrent two or more lines, three or more कर दीजिए, two or more नहीं, more than two बोलिए, जब लाइन सब सेम लाइन सेम पॉइंट से पास करें, एक दो तीन चार, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, कंकरेंट लाइन बोला जाता है, कंकरेंट लाइंस बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंट, पॉइंट ऑफ कंकरेंट बोला जाता है। अच्छा इसके बाद है प्लेन, है ना, इसके बाद जो कंसेप्ट वो क्या है, प्लेन का कंसेप्ट, जैसे कोई भी पॉइंट आप लिए हैं, प्लेन मतलब क्या, टू डायमेंशनल प्लेन, इसमें देखिए कोई भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं, कोई
कोई भी पॉइंट आप ले रहे हैं तो क्या होगा, कोई भी पॉइंट आप ले रहे हैं, कोई भी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, कहां रहेगा इसी प्लेन के ऊपर, डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो दोनों पॉइंट को ए बी ज्वाइन किया, मान लीजिए मान लीजिए सी यहां पर लिए, यहां पर डी लिए, दोनों को ज्वाइन कर दिए, कहां पर मिला, इसी प्लेन के ऊपर में, इसी सरफेस के ऊपर में। प्लेन मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट क्या होगा, जितने सारे पॉइंट्स आप लीजिएगा, ठीक है, एवरी पॉइंट्स ओके ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके ऊपर में, मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है इसके ऊपर में, तो उसमें से कोई भी दोनों पॉइंट को ले लीजिएगा तो इस प्लेन के ऊपर में लाएगा, इस सरफेस के ऊपर में लाएगा, कोई भी दो पॉइंट को जॉइन कर दीजिए सरफेस के ऊपर में लाएगा, दिस इज कॉल्ड प्लेन, है ना। बाहर में नहीं आएगा, बाहर में थोड़ा लाइन सेगमेंट बाहर में आ जाएगा, ऐसे थोड़ा इस प्लेन के ऊपर में कोई भी बहुत सारा पॉइंट लीजिए, कोई भी दोनों पॉइंट को कंटिन्यूटिवली जॉइन कर दीजिए तो क्या बन जाए, प्लेन। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ाई किए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 16-17 रहा, ऑल द बेस्ट।